दिलजीत दोसांझ दे बयान नाल पंजाब दी सियासत दे विच खड़ा होया बवाल। सरकार की गलती है, मंडप से पहले नंबर पे और ये पॉलिटिक्स है मेरे हिसाब से। जिथे सिद्धू मूसेवाले दे कतल बारे गल करन ते पंजाब दा कोई आर्टिस्ट तैयार नहीं हुंदा, उत्थे ही दिलजीत दोसांझ ने सीधे तौर ते लगा दिता पंजाब सरकार दे उत्ते इल्जाम। ये बहुत ही ज्यादा दुख वाली बात है। और एक लकाउट संदीप जो कबड्डी खेलता था और ऑब्वियसली सिद्धू मूसेवाला, वो तो हमारी लाइन से संबंध रखते हैं, तो ये बहुत बड़े नाम है, तीनों नाम बहुत बड़े नाम Correct. और उन्होंने सबने मेहनत की अपने करियर में, और मुझे नहीं लगता कि यार आर्टिस्ट किसी के साथ, बीइंग आर्टिस्ट बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, पर्सनल बात बता रहा हूँ, वो किसी के साथ कुछ गलत कर सकता है, मुझे ये मानने में नहीं आती बात, तो उसका किसी के साथ ऐसा कुछ चक्कर भी नहीं हो सकता, तो क्यों कोई किसी को मारेगा। ये बहुत ही ज्यादा दुख वाली बात है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मुश्किल है, इसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। ये मतलब आप सोचिए, देखो आपका एक बच्चा हो और वो चला जाए, उनके जो फादर और उनकी जो माता जी हैं वो कैसे इस चीज़ को झेल रहे होंगे, मतलब ये इस चीज़ को आप ना तो बोल सकते हो ना आप उसको एहसास कर सकते हो, ये सिर्फ वो ही जानते हैं। बड़ी बात है उनके साथ जो हुआ है, और 100% ये सरकार की लड़ाई है और ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको इंसाफ मिले। गल इतनी नहीं मुकती, दिलजीत दोसांझ की इस इंटरव्यू नू सुखबीर बादल ने ट्विटर उत्ते साझा करते हुए दिलजीत दोसांझ की इस गल नू दसिया सही। पंजाब ने एक प्यारा जवान पुत गवा लिया, पहला उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई तो बाद विच ही जानकारी नू मीडिया विच साझा कर दिता गया, तो इतने सुखबीर बादल ने भगवंत मान नू भी मैनशन किया। तो हुण इस दे उत्ते देखना होएगा कि आम आदमी पार्टी दिलजीत दोसांझ नू किस तरह लेंदी है, तो पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे लीडर उसके की प्रतिक्रिया करते हैं, ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। होर भी लेटेस्ट बॉलीवुड बॉलीवुड अपडेट्स लिए लाइक शेयर तो सबसक्राइब करो रुतबा पंजाब का।